बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स या मायोफेशियल पेन सिंड्रोम क्या होता है। तो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें मसल्स और फेशिया इन्वॉल्व होते हैं और उनमें पेनफुल नॉट्स बन जाती हैं। जब हम पैल्पेट करते हैं तो उस वक्त पेनफुल नॉट्स होती हैं, और इनको हम मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंटेड एरिया होता है, वहाँ पे मोस्ट पेनफुल एरिया होता है, और जब हम उसके ऊपर स्लाइट सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस वक्त पेशेंट की पेन जो है ना उस एरिया में पेन काफ़ी डीप एचिंग पेन होती है, और ये पेन इतनी सीवियर होती है समटाइम्स कि रात को नींद नहीं आती। और अगर किसी ऐसे एरिया में है जैसे कि ये रिब्स वाले एरिया के साथ अगर मसल जो हैं उनमें पेन इन्वॉल्व है तो फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं, समटाइम्स पेन तो उसी लोकल एरिया में होती है या जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस वक्त पेन जो है वो अनरिलेटेड एरियाज या किसी और जगह पे भी उसकी पेन जो है वो जाती है, तो उसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। तो ये मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो है ये क्रॉनिक कंडीशन है, तो इसकी मोस्टली जो एरियाज हैं जहाँ पे ये मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो डेवलप हो जाते हैं, तो ये हमारे नेक के अराउंड जो टेंशन मसल्स हैं, ट्रेपीजियस हैं, एलिवेटर स्कैपुली है, रोम्बॉइड्स के ट्रिगर पॉइंट्स, उसके बाद ये जो हमारे डेल्टॉइड हैं, तो ये शोल्डर गर्डल और ये नेक वाला एरिया ये मोस्टली इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद जो आपका हिप वाला एरिया है इसमें मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं ये किन वजूहात की वजह से ये डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो जब मसल जो हैं जो मसल रेपिटेटिव यूज में आ रहे होते हैं, तो जब वो रेपिटेटिव यूज में आते हैं तो उस वक्त उनके अंदर जो है एसिटाइलकोलीन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में जमा हो जाती है, और वो जो है जो मोटर एंड प्लेट होती है उसकी एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, तो उसकी वजह से मसल्स के अंदर हाइपोक्सिया और अस्कीमिया डेवलप हो जाता है, और उसके बाद जो है मसल जो है वो माइक्रो इंजरी में चला जाता है और वहां पे पेनफुल नॉट्स डेवलप हो जाती हैं। ये एक थ्योरी है। और दूसरा ये कि पुअर पोस्चर की वजह से जो पोस्चरल रिलेटेड मसल्स हैं उनमें भी चूंकि कॉन्टिन्यूस उनके ऊपर स्ट्रेस रहता है तो उनमें भी मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आपको अगर अंडरलाइंग स्ट्रेस चल रहा है तो उस वजह से भी एंग्जाइटी रहती है, या आपका स्लीप डिसऑर्डर है तो ये मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स एक विशुअल साइकिल की तरह ये स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जा सकते हैं, और जो आपके मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं ये भी स्लीप डिसऑर्डर जो है वो डेवलप कर देते हैं। तो ये जो हमारा पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उससे मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होते हैं, या समटाइम्स एक्यूट ट्रामा हो तो उस वक्त उसके बाद जब वो रिहैबिलिटेटिव फेज में जाता है मसल तो उसमें फाइब्रोटिक नॉट्स जो हैं वो पेनफुल नॉट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो जब आप इनको पैल्पेट करते हैं, हम इन्हें डायग्नोज कैसे करेंगे ये जो पेनफुल नॉट्स हैं, तो जब आप पेनफुल एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट पेन की डीप एचिंग पेन की कंप्लेन करता है, और पेन काफी सीवियर होती है तो वो समटाइम्स उसी एरिया में होती है या वो अनरिलेटेड एरिया में रेडिएट कर रही होती है। तो ये तो एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। दूसरी किस्म के होते हैं कि डॉर्मेंट ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली ये जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स और शोल्डर गर्डल वाला एरिया है इसमें जो हमारे डॉर्मेंट ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लेटेंट ट्रिगर पॉइंट कहते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। वो डॉर्मेंट होते हैं वो जब हम बहुत ज्यादा डीप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर वो पेन काज करते हैं, अदरवाइज आम रूटीन में वो पेन काज नहीं कर रहे होते। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सिरेटस इंटीरियर मसल जो है उसके अगर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं तो वो किन एरिया में होते हैं, और उसके बाद उसकी सिम्टम्स क्या होंगी, और जो है पेशेंट वो कंप्लेन कैसे करता है। तो जो सिरेटस इंटीरियर मसल है ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ रिब के ये जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है उस वाले एरिया से ये मसल ओरिजिनेट करता है, और इसकी इंसर्शन जो है ये सबस्कैपुलर फोसा का जो मीडियल बॉर्डर है जो जिसको हम वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं स्कैपुला का, उस वाले एरिया में लग रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसके अपर फाइबर्स जो हैं ये सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर, जो इसके मिडिल फाइबर है अप टू फोर्थ रिब और फोर्थ रिब्स से जो ओरिजिनेट कर रहे हैं तो वो मीडियल बॉर्डर के ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला उधर तक अटैच होते हैं, जबकि हमारे जो इन्फीरियर फाइबर्स हैं वो अलोंग द होल मीडियल बॉर्डर जो है सबस्कैपुलर फोसा वाले एरिया में अटैच हो रहे हैं। तो इसका एक्शन क्या है, ये हमारा एक्चुअली बॉक्सर मसल है, स्कैपुला को अवे लेके जाता है मीडियल बॉर्डर से,
और ये सिंक्रोनाइजिंग एक्शन है इसका ऊपर ट्रेपीजियस और नीचे जो हमारा स्ट्रेटस इंटीरियर है तो उसके साथ ये अपवर्ड रोटेशन करवाता है स्कैपुला की। जब हम ओवरहेड 90 डिग्री से अबडक्शन और फ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्ट्रेटस इंटीरियर जो है ये रोल प्ले कर रहा होता है। और तीसरा इसका एक्शन ये है कि जब हमारे स्कैपुला स्टेबलाइज होते हैं तो एट दैट टाइम जो ये जो हमारी रिब्स हैं उनको ये एलिवेट कर रहा होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये रिलैक्स होता है तो ये नीचे आते हैं मसल्स। तो इसकी नर्व टू स्ट्रेटस इंटीरियर जो लॉन्ग थ्रेस्ट नर्व जो है वो इसको सप्लाई करती है। तो इसके ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो पेशेंट जब आपके पास आता है तो वो एक तो कंप्लेन करेगा कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको शैलो ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीद करता है तो उसको पेन होती है और उसकी इस मूवमेंट के साथ भी पेन होती है ओवर हेड अबडक्शन में, और स्पेशली जब उसको आप लोकल पैल्पेट करते हैं तो वो ये जो फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ रिब वाला एरिया है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ वाला एरिया जो है इस वाले एरिया में मिड एक्सिला और एंटीरियर एंड समटाइम्स पोस्टीरियर एक्सिला वाली साइड पे वो पेन की कंप्लेन करता है। और इसकी पेन की जो है वो इस वाले एरिया में भी पेन पेशेंट कंप्लेन करता है और समटाइम्स इस एरिया में पेन आ सकती है। तो हमारे पास पेशेंट है उनसे हम पूछते हैं कि उनको ये जो मसला था कब से, आपको कब से ये प्रॉब्लम है? दो माह हो गए। अच्छा, दो माह हो गए। आपने कोई दवाई ली थी इसके लिए? हाँ, दो दो हफ्ते काफी डॉक्टरों से ली है दवाई। अच्छा, तो फर्क पड़ता था उससे? हाँ जी, खाने के बाद बस दूसरा टाइम आने तक दर्द को फाका पड़ता था, फिर दर्द शुरू हो जाती, फिर दर्द शुरू हो जाती और सांस भी नहीं लिया जाता था। अच्छा, क्या क्या जब ये प्रॉब्लम थी तो क्या कहाँ पे दर्द होती है आपको ज्यादा? यहाँ सीने में और पीछे पसलियों के नीचे। पसलियों के नीचे होती थी? इस वाले एरिया में भी होती थी दर्द जी? अच्छा, पीछे। तो क्या सांस लेने में मसला होता था जब ये तकलीफ होती? सांस लिया ही नहीं जाता था, जब सांस लेने लगता था तो ये दर्द जो है रोक लेती थी सांस को। अच्छा, सांस रोक लेती थी। तो आपको बाजू उठाने में दर्द होती थी? बाजू कोई भी हिस्सा लाता था यहाँ ही दर्द होती थी, यहाँ पे दर्द होती थी। अच्छा, तो कल हमने एक आपको सेशन दिया और आज आप आए हैं, तो कितना बेहतर आपको लगा है? पहले तो मेडिसिन खाने से बेहतर होता था कुछ 4-5 घंटे, ठीक है, लेकिन रात को भी मैंने और कल को भी मेडिसिन नहीं खाई, ठीक है, ये 50% बेहतर हो गया और करवट भी रात को आसानी से ले सकता था, आसानी से ले सकते जी, और नींद भी कोई बेहतर आई है। तो हमने जो आपको एक्सरसाइज बताई ना वो कॉर्नर स्ट्रेच करने वाली और बॉल के साथ इसको प्रेशर देने वाली, तो और ये जो साइड वाइज स्ट्रेच है ये आप रेगुलर करें और हमारे पास फिर दोबारा हफ्ते बाद चक्कर लगाएं, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो चुका होगा। थैंक यू जी।